ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारी न सिर्फ धरने पर बैठे हैं, बल्कि अपने सभी कामों का उन्होंने बहिष्कार कर दिया है। आक्रोशित कर्मचारियों ने चेताया है कि अगर उनकी मांगों का निस्तारण जल्द नहीं किया गया तो वो तालाबंदी कर उग्र आंदोलन करेंगे। बता दें कि कर्मचारियों ने प्रशासन के सामने चार प्रमुख मांगे रखी हैं, जिसका पहला वेतन को लेकर है कि वेतन समय समय पर नहीं मिलता है। दूसरा गोल्डन कार्ड को लेकर, उनका कहना है कि हम स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कर्मचारी हैं, हमारा गोल्डन कार्ड नहीं बना, ये काफी दुख की बात है। तीसरी मांग नर्सिंग कर्मचारियों को लेकर है। इन कर्मचारियों को 3 साल काम करते हुए हो गए, मगर अभी भी उनका ग्रेड पे, उनका कहना है कि इनका ग्रेड पे 4,600 रुपए किया जाए। और चौथी मांग चतुर्थी श्रेणी की कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर है। उनका कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती तो हमारे द्वारा उग्र आंदोलन के साथ तालाबंदी की कार्रवाई भी की जाएगी। हमारी चार मुख्य मांगे हैं। मेन पहला तो हमारा है वेतन। वेतन हमारा समय पे नहीं आता है। वेतन हमारा 2-3 महीने बाद आता है, और फिर जिसकी वजह से हम सबको बहुत समस्याएं हो जाती हैं। और दूसरा हमारा है गोल्डन कार्ड। हम स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं, हमारा ही गोल्डन कार्ड नहीं बना है। कितनी जो है दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है ये, हमारा गोल्डन कार्ड बना दिया जाए। तीसरा है हमारा 4600। हमारा 4600 का मुद्दा ये है कि हम नर्सिंग संवर्ग से, हमारे नर्सिंग अधिकारी जो हैं, अभी इनकी पोस्टिंग हुई है, 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, और इनको 4200 ग्रेड पे रखा गया है, जबकि 46 पे इनकी नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि हमारे वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी 4600 पे हैं। तो हम प्रशासन से और शासन से कहते हैं कि जल्द से जल्द इनका 4600 करने की कृपा करें, अभी हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं। और चौथा हमारा है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति। हम यहाँ पर, हमारे आज चौथे चरण का पहला दिन है जिसमें हमारा संपूर्ण कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले हमारा वेतन का मुद्दा चल रहा है। 2015 से हम सभी कर्मचारी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने के बाद प्रत्येक वर्ष 4-5 महीने के बाद ही हम वेतन से जूझते हैं, जिसमें 3 माह हो गए इस समय हमारे को वेतन नहीं दिया गया, वेतन में विलंब हो रहा है। तो विभिन्न प्रकार के ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने के बाद ये संस्था हमेशा जो है नीचे की ओर गई है। हमारा आंदोलन यथावत अभी तक जारी है, और अगर हमारी समस्या को बहुत गहनता से अगर नहीं सुना जाता तो हम, और कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तो निश्चित रूप से हमारे को उग्र रूप से आंदोलन होगा, बेशक हमारे को तालाबंदी भी करनी पड़ेगी, हम तालाबंदी भी करेंगे। पंजाब के स्टूडियो टीवी के लिए हरिद्वार से राजकुमार पाल की रिपोर्ट।